हरियाणा के कई जिलों में आज एचटेट की परीक्षा हुई है, दो शिफ्टों में, सैटरडे को भी हुई और आज संडे को भी। आज का पेपर कैसा था? तैयारी तो और करनी होती है, लेकिन कैसा पेपर था? ठीक था, फिर भी ठीक था, बट लेंथी बहुत ज्यादा था। लेंथी था मींस के टाइम कम मिला? हाँ जी, थोड़ा सा टाइम कम था। हाँ, कैसा, आसान या मुश्किल? एवरेज था, एवरेज पेपर था, ठीक था पेपर। जो अगर एवरेज है, जो इंटेलिजेंट है, मेरे को उनको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए जो तैयारी करके आए? नहीं, होनी तो नहीं चाहिए लगता। आपका तो नहीं। पेपर कैसे हुआ? मेरा पेपर ठीक हुआ, मतलब जिसकी मेरे पार्ट की तैयारी थी बिल्कुल ठीक। आपको लगता है एचटेट से, जैसे सरकार कहती है कि मेरिट पे नौकरियां मिल रही है, एचटेट क्लीयरेंस के बाद नौकरी मिलना आसान हो जाएगा? मे बी, नहीं, टेस्ट भी आ गया, स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा इसको क्लियर करके। अब एचटेट के बाद क्या प्रक्रिया, आगे क्या होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसके बाद एक टेस्ट और होना। हाँ जी, इसमें ना 90 पास करने के बाद फिर एक टेस्ट होगा, उसके बेस पे फिर लिस्ट लगनी है। हर बार 8-9 या 5 लाख तो कम से कम देते ही हैं, इतने कैंडिडेट तो हो ही जाते। लेकिन डू यू होप टू गेट क्लीयरेंस? होप है सर, हो सकता है, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट है। लोग कह रहे हैं कि लेंथी पेपर था, टाइम ज्यादा चाहिए था। लेंथी तो होता ही है सर, पेपर जब 2.5 घंटे का होगा तो लेंथी तो होगा। आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आपका अच्छा हो गया पेपर? बस अच्छा हुआ है सर पेपर, कल की बजाय तो अच्छा हुआ। पीजी का कल थोड़ा हार्ड था, साइको वगैरह के टफ थे क्वेश्चन। एचटेट क्लियर होना जरूरी है, वैकेंसी निकलेगी, आप टीजीटी पीजीटी क्या भरेंगे? वैकेंसी निकलेगी, जो क्लियर होगा वही भरेंगे ना। नहीं ठीक है, 3 घंटे में हो जाता है आराम से। नहीं, पेपर लेंथी नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम आवर प्रॉपर है। इतने टाइम में भी अगर पेपर को बच्चा कवर नहीं कर पाएगा तो आई थिंक उसकी प्रिपरेशन नहीं है। 15-20-25 मिनट पहले बच्चा आराम से करके बैठ जाता है। जिन्होंने 2010 में जेबीटी की थी, अभी भी वो पेपर देने आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जॉब लगी नहीं, निकली नहीं जॉब एस्टेट के लेवल पे। जो 2015 में जो करा हुआ था एक्सपायर हो गया, 16 में किया, जो 17 में किया, 7 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो सर वैकेंसी निकली तो वो एस्टेट का फायदा गया उसका। एक चीज़ और है, कोरोना काल में जैसे मेरे को और भी बच्चे मिले, जैसे गेट क्लियर किया था, नेट है, गेट है, आपका ये एस्टेट है, कोरोना काल में जो टाइम खराब होगा उसकी थोड़ा सा वैलिडिटी बढ़नी चाहिए, ये मांग तो उठ ही रही है, चाहे गेट की बात है, चाहे एचटेट की बात है, चाहे नेट की बात है। अगर हम एक 12वीं कर लेते हैं, क्या दोबारा 12वीं करते हैं? ऐसे ही एचटेट को कर देना चाहिए, जिस बंदे ने 2010 में कर लिया तो कर लिया, हम बस उसके बाद जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो देता रहे, क्यों सर? हजारों की तादाद में आज भी एचटेट का पेपर दिया है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि टेस्ट क्लियर करने के बाद जिन बच्चों ने मेहनत की है, जो एक समय से इंतजार कर रहे थे एचटेट का, आज परीक्षा हुई है और आगे बहुत सारे इन लोगों को उम्मीद है जो नौकरी की तलाश में है कि इस टेस्ट की क्लियरेंस के बाद उनको नौकरी मिलेगी, और जो रह जाएंगे उनके लिए सबक की तैयारी और अच्छी होनी चाहिए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत, बीरू।